सब ख्वाब था? नहीं ख्वाब हकीकत में बन सकता है, तुझे इधर से कोई गोली मार सकता है। अल्लाह ना करे, ये सब तुमने ख्वाब में देखा? मैंने ख्वाब देखा कि मेरी अरसब से शादी हो रही थी, पर जुनेद आया और उसने अरसब को गोली मार दी। नूर बेटा, ऐसा सोचोगी तो ऐसे ही ख्वाब आएंगे ना। नहीं नहीं, वो कर गया था फिर से अरसब से मिलने। क्या? हाँ, उसने कहा था कि अगर उसने मुझे भी आकर के घर लेके जाने की कोशिश की तो उसे गोली मार देगा। मुझे बहुत डर लगे। तुम मुझे ये ख्वाब सुना रही हो या हकीकत? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, परेशान है। अल्लाह सब ठीक कर दे। हमें प्लीज कुछ कर लो, मुझे बहुत डर लगता है। ड्रामा कर रही थी वो। हाँ, मेरी बहन इतनी अक्लमंद है कि कोई भी काम बगैर किसी मकसद के नहीं करती। पता नहीं मौसूफा को क्या सूझी थी कि आधी रात को चीखने चलाने लगी। लेकिन मुझे उसका चीखना झूठ मूठ का तो नहीं लगा। ना खिलिए अथिया, कब तक आप नूर के मकरो फरेब को समझने की कोशिश नहीं करेंगे? माँ, सब कुछ ड्रामा हो सकता है, लेकिन उसे पसीना आ रहा था। उसके शक्ल के तासुरात बता रहे थे कि वो वाकई में डर गई है। आप एक आर्टिस्ट हैं, क्या आप नहीं जानते कि ड्रामा क्या होता है? जानती हूँ, झूठ को सच दिखाना। लेकिन नूर जैसी एक आम सी घरेलू लड़की इतना परफेक्ट ड्रामा कैसे कर सकती है? अगर इसी तरह आप आंखें बंद करके नूर पे एतबार करती रही ना, तो एक भी दिन आपको ससुराल में नहीं टिकने देगी वो। मुझे डराओ मत इमाम। डराने नहीं, बता रही हूँ आपको, नूर से होशियार रहना है आपको। एक एक कदम दस दस बार सोच के उठाना, वरना कभी भी नूर आपके पाँव तले सीढ़ी खींच सकती है। तुम्हारे ख्याल में नूर ने ऐसा क्यों किया होगा? इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन नूर कोई भी काम बिला मकसद नहीं करती।